नाही कनाई, घर की नारी को कहे तन की नारी जाए। कबीरा ज्ञान से भरी है तेरी वाणी, कबीरा ज्ञान से भरी है तेरी वाणी। समय पल पल बीत रहा है और एक दिन ऐसा होगा कि कोई किसी का नहीं रहेगा। घर की नारी यानी पत्नी की तो बात छोड़िए, शरीर की नारी भी अपनी नहीं रहेगी, वह भी अपनी इच्छा से बंद हो जाएगी, यानी मृत्यु निश्चित है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हूँ शीतल हो। कबीरा ज्ञान से भरी है तेरी वाणी, कबीरा ज्ञान से भरी है तेरी वाणी। कबीर जी कहते हैं, मान और अहंकार का त्याग करके ऐसी वाणी में बात करें कि औरों के साथ साथ समय को भी खुशी मिले, अर्थात मीठी वाणी से ही दिल जीते जा सकते हैं। और अगर आप अहंकार के साथ कड़वी आवाज में बात करते हैं तो आपको नुकसान होगा। जग में बेरी कोई नहीं जो मन शीतल हो, या आपा को डार दे दया करे सबको। कबीरा ज्ञान से भरी है तेरी वाणी, कबीरा ज्ञान से भरी है तेरी वाणी। कबीरदास कहते हैं, यदि आपका मन शांत है तो संसार में कोई भी आपका शत्रु यानी कि दुश्मन नहीं हो सकता। आप अपने अहंकार को त्याग दें तो सभी आपसे प्रेम करने लगेंगे और यह दुनिया आपको बड़ी ही खूबसूरत लगेगी। इष्ट मिले अरुमन मिले मिले सकर रसरीत, कहे कबीर तह जाइए यह सतन की प्रीत। कबीरा ज्ञान से भरी है तेरी वाणी, कबीरा ज्ञान से भरी है तेरी वाणी। कबीर दास जी कहते हैं, जहाँ पर मन और व्यवहार हमारे माफिक यानी कि अनुकूल हो वहाँ पर अवश्य जाना चाहिए। संत महापुरुष भी ऐसे स्थानों पर जाना पसंद करते थे, और जहाँ पर अपने अनुकूल मन और व्यवहार नहीं हो वहाँ पर कभी भी नहीं जाना चाहिए। कबीर संगी साधु का दल आया भरपूर, इंद्री को तब बांधिया यातन किया अघूर। कबीरा ज्ञान से भरी है तेरी वाणी, कबीरा ज्ञान से भरी है तेरी वाणी। कबीर जी कहते हैं, जब मन में दया क्षमा त्याग सत्य ज्ञान आदि गुणों की उत्पत्ति होती है और मोह आदि विकारों का नाश होता है तो सभी इंद्रियां स्वतः वश में आ जाती है और यह शरीर हमारे इशारों पर चलने लगता है।
शरीर मुख सोई भला जा मुख निक से राम जा मुख राम ननीक से राम मुख है किसका कबीरा ज्ञान से भरी है तेरी वाणी कबीरा ज्ञान से भरी है तेरी वाणी। कबीरदास जी कहते हैं कि वही मुंह अर्थात जीवा कल्याणकारी हो सकता है जो राम का नाम जपता हो। जिस मुंह से राम का नाम नहीं निकले वह मुंह बेकार है, उद्देश्यहीन है। इसीलिए हमेशा राम नाम जपना चाहिए।